क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ अगर x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी है तो हमने प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन दिया है x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी। ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी देते हैं। चलिए अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाने के लिए हम इसके इमेजिनरी पार्ट के माइनस साइन को प्लस बना देंगे, ठीक है। तो हमारा कॉन्जुगेट बन जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया, माइनस को यहां पर प्लस बना लिया। तो अब हम इसके राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के साइंस को भी चेंज करेंगे। तो अब इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाने के लिए हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी इमेजिनरी पार्ट के साइंस को चेंज करके यहां पर लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसके कॉन्जुगेट को ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम इस इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा x माइनस आइटा वाई मल्टीप्लाई विद x प्लस आइटा वाई, और राइट हैंड साइड के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तब हमारा राइट हैंड साइड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में आइटा होगा तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, और आइटा की पावर फोर होता है वन। तो हम इन रिजल्ट्स को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्स माइनस आइटा वाई प्रोडक्ट विथ एक्स प्लस आइटा वाई हमको ए माइनस बी प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है, और जब भी हमको ए माइनस बी प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी दिखाई देगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए हम एक्स माइनस आइटा वाई प्रोडक्ट विथ एक्स प्लस आइटा वाई को लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। इन दोनों फ्रैक्शन पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम इन दोनों फ्रैक्शन को एक ही स्क्वायर रूट के भीतर भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी प्रोडक्ट विथ ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर पे यहां पर हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर है माइनस, माइनस को भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब है आइटा वाई का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, आइटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस। तो चलिए इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, अब माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। अब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर है ए माइनस आइटा बी प्रोडक्ट विद ए प्लस आइटा बी, जो कि हमको ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है, और जब भी हमको ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए प्लस बी दिखाई देगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए हम ए माइनस आइटा बी प्रोडक्ट विद ए प्लस आइटा बी को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर। और सेम इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम सी माइनस आइटा बी प्रोडक्ट विद सी प्लस आइटा बी को लिखेंगे डिनोमिनेटर में
सी का स्क्वायर माइनस आईटा डी का स्क्वायर। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब ये है आयटा बी का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमारे पास में है सी स्क्वायर, इसको हम एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। फिर है माइनस माइनस, फिर यहां पर हमारे पास में है आयटा डी का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, डी का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन डी स्क्वायर। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमारे राइट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में सबसे पहले है ए स्क्वायर, फिर है माइनस ऑफ माइनस वन बी स्क्वायर, माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस और आएगा आगे बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस वन बी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर में हमारे पास में सबसे पहले है सी स्क्वायर, फिर है माइनस ऑफ माइनस वन डी स्क्वायर, माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस और वन डी स्क्वायर जो हो जाएगा डी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस वन डी स्क्वायर हो गया प्लस डी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे, तो लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारा राइट हैंड साइड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने निकाल करके दिखा दिया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।